ओम शांति। पवित्रता, ब्रह्मचर्य और संपूर्णता पर अव्यक्त बाप दादा के 26 मार्च 1970 के महावाक्य है, बाप दादा कब व्यर्थ रचना नहीं रचते हैं, पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण व्यर्थ संकल्पों की रचना होती है। साकार रूप ने संपूर्णता को साकार में लाया। संपूर्णता साकार रूप में संपन्न अर्थात स्पष्ट देखने में आती थी। संपूर्ण और साकार अलग देखने में आता था। इस स्थिति को कहा जाता है उपराम, उपराम और साक्षी दृष्टा। 28 जुलाई 1971 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनाया था ना कि अंत के समय नई नई परीक्षाएं आएंगी, जिन परीक्षाओं को पास कर संपूर्णता की डिग्री लेंगे। अगर ये पहला पाठ ही स्मृति में नहीं होगा तो संपूर्णता की डिग्री भी नहीं ले सकेंगे। पहली सीढ़ी अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित। अव्यक्त बाप दादा के 4 जुलाई 1974 के महावाक्य है, संपूर्ण निशाने की नजदीक पहुंचने की निशानी का डबल नशा उत्पन्न होता है। पहला नशा है कर्मातीत, और चलते फिरते ये नशा और खुशी होगी कि कल ये पुराना शरीर छोड़ नया शरीर धारण करेंगे। अव्यक्त बाप दादा के 4 जुलाई 1974 के महावाक्य, संपूर्ण निशाने के नजदीक पहुंचने की निशानी का डबल नशा उत्पन्न होता है। पहला नशा है कर्मातीत अर्थात सर्व बंधनों से मुक्त न्यारे बन प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कर्म कराना। ऐसे कर्मातीत अवस्था का अनुभव होगा। न्यारे बनने का पुरुषार्थ बार बार नहीं करना पड़ेगा। सहज और स्वतः ही अनुभव होगा कि कराने वाला और करने वाली ये कर्मेंद्रियां स्वयं से ही अलग है। संपूर्ण निशाने के नजदीक पहुंचने का दूसरा नशा है, क्या है दूसरा नशा? विश्व का मालिक बनने का। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि स्थूल चोला व वस्त्र तैयार हुआ सामने दिखाई दे रहा है, और निश्चय सामने होगा कि निश्चय सामने होगा, और चलते चलते ये नशा और खुशी होगी कि कल ये पुराना शरीर छोड़ नया शरीर धारण करेंगे। अव्यक्त बाप दादा के 24 अप्रैल 1974 के महावाक्य है, जब तीनों ही लाइट जगमगाती हुई दिखाई दे तभी सबको साक्षात्कार करा सकेंगे। प्योरिटी की लाइट, सत्व प्रधान दिव्य दृष्टि की लाइट और मस्तक मणि की लाइट, ये तीनों ही संपूर्ण बनाने की मुख्य बातें हैं। फिर अव्यक्त बाप दादा के 8 दिसंबर 1975 के महावाक्य है, अशरीरी भव, ये वरदान प्राप्त कर लिया है। जिस समय संकल्प करो कि मैं अशरीरी हूं, उसी सेकंड स्वरूप बन जाओ। ऐसा अभ्यास सहज हो गया है। ये सहज अनुभव होना ही संपूर्णता की निशानी है। सेकेंड में संकल्प करो और अशरीरी हो जाओ। अव्यक्त बाप दादा के 7 अक्टूबर 1975 के महावाक्य है, संपूर्ण स्टेज की निशानियां। पहली निशानी, पुरानी दुनिया की किसी भी व्यक्ति व वैभव से संकल्प मात्र व स्वप्न मात्र भी लगाव नहीं होगा। सर्व आत्माओं को कल्याण और रहम की दृष्टि से देखेंगे। हर परिस्थिति व परीक्षा में सदा स्वयं को विजयी अनुभव करेंगे। सदा साक्षीपन की सीट पर सेट होंगे। सत्तावीस दिसंबर 2011 की साकार रिवाइज्ड मुरली है।
सारा कल तुम सीढ़ी नीचे ही उतरते आए हो, उतरते उतरते तमो प्रधान बन गए हो। अभी तुमको फिर सतो प्रधान बनना है, इसमें ही मेहनत है। सतो प्रधान बनना कोई मासी का घर नहीं है। जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, ये भी गायन है। अभी परमपिता परमात्मा तुमको ब्रह्मा द्वारा वह ज्ञान दे रहे हैं, इसको ब्रह्म ज्ञान नहीं ब्रह्मा ज्ञान कहा जाता है। ओम शांति। कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे और रात्रि क्लास 9:45 बजे। ओम शांति। Thank you.